दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स सब्जियों की हेल्दी रेसिपी। तो ये देखिए, मैंने इतनी सारी सब्जियाँ ली है। ये तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक बॉईल आलू ले लिया था, उसे मैंने ग्रेट कर लिया है पहले ही। तो ये मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अभी मैं ये सब सब्जियाँ डालूँगी। पहले मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये ककड़ी है जिसे मैंने छील के बारीक कट कर लिया था, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। तो शिमला मिर्च बारीक की हुई, ये भी मैंने डाल दिया है। अभी ये प्याज है, प्याज थोड़ी ज़्यादा लेना है, इसके लिए मैंने थोड़ी बड़ी साइज़ की प्याज ली है, तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। फ्रेंड्स, बच्चे जब नहीं खाते हैं सब्जियां तो हम किसी तरीके से उनको खिला सकते हैं। तो ये मैंने गाजर डाल दी बारीक की हुई। अभी पत्ता गोभी डाल रही हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से फाइन कट कर लिया था, एकदम बारीक कट किया है। और ये दो हरी मिर्च है तीखी वाली, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने तो डाला है, थोड़ा स्पाइसी बनेगा, तीखा बनेगा तो अच्छा लगेगा। और अभी मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ, पनीर की जगह आप चीज़ या मलाई भी ले सकते हैं। और ये आधी छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, एक चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, और ये मैं पाव भाजी, ये चाट मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। सॉरी, पाव भाजी बोल दिया था मैंने, पाव भाजी मसाला नहीं है, चाट मसाला है ये। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन अभी हमको इसमें नमक भी डालना है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि हमने चाट मसाला डाला है तो चाट मसाले में नमक रहता है। तो ये अभी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। सब में एकदम अच्छे से नमक मिर्ची सब मिल जाना चाहिए। तो ये हमारा मसाला बन के रेडी है। अभी मैंने ये वाइट ब्रेड ले लिए हैं, इनके साइड के ये हार्ड कॉर्नर है, ये हमको कट करने हैं। तो मैं ये दो दो ब्रेड एक साथ कट कर रही हूँ। चाकू से आप कट नहीं कर सकते तो आप कैंची से भी कट कर सकते हैं इनको, साइड के कॉर्नर को। जब हम ये नाश्ता बनाएंगे तो ये हार्ड कॉर्नर इसके थोड़े अड़चन देंगे, इसके लिए मैंने इनको निकाल दिया है। और ये ब्रेड क्रम्स में काम आ जाते हैं, हम इनको पीस के आराम से रख सकते हैं मिक्सर में। तो मैं इनको कभी फेंकती नहीं हूँ, इसमें भी काम आते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा कट तोड़ के इनको हम पोहे जैसा वघार भी सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने सब इनके निकाल दिए हैं कॉर्नर। अभी मैंने एक ब्रेड ले लिया है जिसका कॉर्नर कट किया था, इसको मैं बेल रही हूँ बेलन की हेल्प से। तो इसको चपाती जैसा एकदम चपटा कर लेना है। तो इसको साइड की, इसके कॉर्नर जब हम इनको बेलते हैं तो साइड के कॉर्नर थोड़े जाड़े रह जाते हैं, वो जाड़े नहीं रहना चाहिए, उनको भी हमको एकदम अच्छे से पतला कर लेना है। ये देखिए, एकदम चपटा कर लिया मैंने इसको। तो ऐसे ही सब ब्रेड को मैं बेल रही हूँ। चाहे तो आप बिना बेले भी इसमें रख के आप बना सकते हैं, रोल बनाइए या सैंडविच जैसा बनाइए। तो अभी मैंने उनको सबको बेल लिया है। और ये मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, उसमें नमक डाल के पानी डाल दिया है। और इसको एकदम अच्छे से घोल लेंगे, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। पतला सा मैंने घोल बना लिया इसका। अभी जो हमने ब्रेड को बेल के रखा था ना, उसको ले लिया है, उसके ऊपर जो हमने सब्जी का जो फिलिंग्स बना के रखी थी वो इस पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ, फैला रही हूँ अच्छे से। तो ये मैंने फैला दिया इसके ऊपर। और ये दूसरा ब्रेड मैंने इसके ऊपर रखा है, साइड के कॉर्नर के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इनको चिपका रही हूँ। आप चाहे तो वो बेसन का जो हमने घोल बना के रखा है ना, वो भी लगा सकते हैं, या फिर मैदे की स्लरी बना के वो लगा सकते हैं। लेकिन ये ब्रेड है, ये इजीली चिपक जाते हैं थोड़े से पानी से ही। तो ये मैंने ऐसे बेल लिया है, ये देखिए एकदम अच्छे से ये बन चुका है। अभी जो बेसन का घोल बनाया था उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली कलर के लिए। और एक पैन मैंने ले लिया है, उस पर मैंने घी डाल दिया है। एक ब्रेड का जो हमने बना के रखा था उसका मैंने बीच में से कट किया ट्रायंगल, और उस पर मैं बेसन लगा रही हूँ ऊपर से। मैं इसको डिप नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये टूट जाएगा अगर मैं पूरी तरह से इसको डिप करूँगी। वैसे अगर टूट भी गया तो ये बेसन है, इसकी वजह से
जब हम सेकेंगे तो ये उसमें नहीं टूटेगा, ये आराम से चिपक जाता है। तो ये मैंने 2 स्लाइस इसके डाल दिए हैं और इनको मैं टर्न कर रही हूँ, एक साइड से सीख गए हैं अच्छे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत, मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए, मैं दूसरा वाला भी आपको लगा के बता रही हूँ। तो ये साइड का जो हमारा जो फिलिंग हमने इसमें भरा था, उसका साइड भी हमको डुबो देना है उसमें, बेसन में, ताकि ये सब्जी सब बाहर नहीं आए। अभी ये मैंने सब बना लिए, देखिए दिखने में इतने अच्छे हैं ये, तो खाने में तो एकदम लाजवाब है, बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्रेंड्स। और सब सब्जियां भी हम बच्चों को खिला सकते हैं इस तरीके से अगर बनाएंगे तो। मैंने ये मेयोनीज और इसका डिप बनाया था, मैंने दही दही और मेयोनीज का, तो ये मैंने डिप के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो ग्रीन चटनी, लाल चटनी या चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। ये देखिए, अंदर इसका जो सब्जियां हैं ना, वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है, और मैं अभी आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अगर आप इसको चाइनीज़ स्टाइल देना चाहते हैं, तो इसमें ओरिगेनो, फिर लहसुन वगैरह जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं इसमें। लेकिन मैंने सिर्फ वेजिटेबल का बनाया है और कम तेल में बनाया है, तो मैंने सोचा ये हेल्दी ही रहना चाहिए, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं है। चिली फ्लेक्स और ये हरी मिर्ची, इसके अलावा कुछ और नहीं डाला है मैंने। तो ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। थैंक यू एंड बाय बाय।